नमस्कार मैं हूं खुशबू वर्मा आप देख रहे हैं नजर टुडे देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान दिया गया गडकरी का कहना है इस बार लोकसभा चुनाव में वो पोस्टर बैनर नहीं लगवाएंगे ना ही चाय पानी पिलाएंगे उन्होंने आगे कहा जिसको वोट देना है वो खुद आकर देगा जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा गडकरी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के वाशिंग में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी का कहना है मैं चुनावों में रिश्वत नहीं लेता हूं और ना किसी को भी ऐसा करने की अनुमति देता हूं लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ईमानदारी से आप सभी की सेवा कर सकूंगा उन्होंने कहा एक बार घर घर मटन बंटवाया था फिर भी हम चुनाव हार गए थे नितिन गडकरी चुनावों में प्रलोभन को लेकर पहले ही कुछ इस तरह का बयान दे चुके हैं 24 जुलाई को गडकरी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए थे यहाँ वह चुनाव जीतने के तरीके बता रहे थे गडकरी ने कहा कि चुनाव प्रलोभन से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास और प्यार पैदा करने से जीते जाते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वोटर बहुत होशियार होते हैं वो खाते सबका है लेकिन वोट उसी को देते हैं जिसे वो देना चाहते हैं गडकरी ने बताया कि उन्होंने एक बार लोगों के बीच एक एक किलो मटन बांटा था फिर भी चुनाव हार गए थे क्योंकि आज का वोटर बहुत जागरूक है गडकरी ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रचार के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं कई लोग वोटर को पैसा खिलाते हैं लेकिन मेरा मानना है कि इलेक्शन केवल लोगों के बीच विश्वास पैदा करके जीता जाता है तो आपको क्या लगता है इस विषय में कमेंट जरूर कीजिएगा तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे नजर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे शुक्रिया